हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैंने जो ये लुक क्रिएट किया है वो सिर्फ़ एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए किया है, विच इज़ माय फेवरेट ब्रांड शुगर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है एंड व्यूज़ तो आ रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो आई वांट कि चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। तो मूव करते हैं वीडियो के लिए। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं इस वीडियो में यूज़ कर रही हूँ वो है ये शुगर का एल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र। इसे मैंने एज अ प्राइमर भी यूज़ किया है, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। नेक्स्ट मैंने शुगर का फाउंडेशन यूज़ किया है, ये सीरम फाउंडेशन है, ये भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है स्किन पे और बहुत अच्छी कवरेज देता है ये। तो मैंने फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया। नेक्स्ट मैंने शुगर का ही कंसीलर लेके अंडर आई लगा के उसे भी सेम ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लिया। नेक्स्ट मैंने ये लूज़ पाउडर लिया है शुगर का, इससे मैं अपना कंसीलर सेट करूँगी। नाउ मैंने अपना कंसीलर अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं शुगर की ये कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ जिससे मैंने अच्छे से अपने चिक्स पे ब्लेंड कर लिया। नेक्स्ट मैं शुगर का मिनी ब्लश यूज़ कर रही हूँ जो कि एक बहुत प्यारा पिंक शेड है, इसे मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया था अपने चिक्स पे। नेक्स्ट मैंने उसी का शुगर का हाइलाइटर यूज़ करके अपने चिक बोन पे एंड नोज़ पे थोड़ा सा अप्लाई किया। एक्स्ट्रा जो भी पाउडर था वो मैं उसको डस्ट ऑफ कर रही हूँ। नेक्स्ट ये शुगर की आई शेडो पैलेट लेके एक लाइट शेड लेके मैंने अपने पूरे आईज़ पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं उसी पैलेट का एक डार्क शेड लेके लोअर लैश लाइन और आउटर कॉर्नर ऑफ माय आईज़ पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ मैं उसी पैलेट का एक ग्लिटरी शेड लेके उसे अपने आईलिड्स पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। एक लाइट शेड लेके शिमरी शेड लेके मैंने उसे अपने इनर कॉर्नर और आईलिड्स पे अप्लाई किया, तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल आई शेडो लग रहा था। नेक्स्ट मैंने ये शुगर का ही लाइनर यूज़ किया है। काजल लगा लिया है फिर मैंने और मस्कारा। एक शुगर की पैलेट से मैंने एक ब्लैक शेड से अपने आईब्रोज़ को फिल कर लिया। अब मैंने आईलैशेस वेयर कर लिए हैं एंड एक शुगर का लिप बाम से अपने लिप्स को थोड़ा मॉइस्चराइज कर लिया मैंने। नेक्स्ट मैंने शुगर का क्रेयॉन यूज़ किया है, ये बहुत ब्यूटीफुल सा पिंक और पीच काइंड ऑफ शेड है। एंड नेक्स्ट मैंने एक सेटिंग स्प्रे लेके जो कि मैट सेटिंग स्प्रे है शुगर का, अपने सारे मेकअप को अच्छे से सेट कर लिया, तो बहुत ब्यूटीफुल सा एक ग्लो लग रहा है फेस पे। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।